यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज द टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। टैक्स रेट क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट और स्पेशल टैक्स रेट, दो तरह की टैक्स रेट होती है। स्पेशल टैक्स रेट है वो जैसे LTCG पे 20%, LTCG 112A पे 10%, ST 111A पे 15%, एज वेल एज द जैसे ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है और उसमें अगर एनोनिमस डोनेशन है तो उस पर 30%, वो सब स्पेशल रेट है। अब एक चीज समझना, कुछ नॉर्मल टैक्स रेट होती है, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नॉर्मल टैक्स रेट। अब एक बात, नॉर्मल टैक्स रेट क्या रहता है? तो इनकेस ऑफ द इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनकेस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, अप टू 250,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। मैंने क्या बोला, 250 तक कोई टैक्स नहीं है, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, लेकिन एक चीज समझना, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका एज जो है वो एज आपका 60 इयर्स और मोर होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 और मोर है इन द प्रीवियस ईयर, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज है 60 और मोर इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है, मींस अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 और मोर हो जाता है इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जिसका 80 और मोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। उसके लिए 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है। अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो 60 इयर्स और 80 इयर्स का एज है वो प्रीवियस ईयर में होता है तो ही उसी केस में उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज समझना, इफ एनी पर्सन इज सेलिब्रेटिंग 60th और 80th बर्थडे ऑन द 1st अप्रैल 2020, व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ एनी पर्सन इज सेलिब्रेटिंग 60th और 80th बर्थडे ऑन द 1st अप्रैल 2020, देन ऑल्सो इट इज प्रिज्यूम दैट ही कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 इयर्स और 80 इयर्स ऑन द 31st मार्च 2020 और प्रीवियस ईयर 1920 में, उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अब एक बात समझना, सरचार्ज क्या है? तो सरचार्ज के केस में मैं बता दूं, इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनका अगर टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है अप टू 1 करोड़ है, सरचार्ज इज 10%। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, सरचार्ज इज 15%। मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ सरचार्ज इज 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज इज 37%। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज द सरचार्ज रेट? इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, मोर देन 5 करोड़ 37% इज सरचार्ज रेट। अब एक बात समझना, कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या रहेगी? तो कंपनी के केस में दो तरह की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%। लेकिन ध्यान रखना, अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर ग्रॉस रिसिट फॉर प्रीवियस ईयर 17-18, आप 17-18 का ग्रॉस रिसिट या टर्नओवर देखना है, प्रीवियस ईयर 17-18 ग्रॉस रिसिट और टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी का इस साल प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए टैक्स रेट रहेगा, दैट टैक्स रेट इज 25%। तो मैंने क्या कहा, डोमेस्टिक कंपनी का नॉर्मल टैक्स रेट इज 30%, बट अगर टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में इस साल का टैक्स रेट है वो 25% रहेगा। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट इज 40%। सरचार्ज कैसे लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी के लिए अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है, देन सरचार्ज इज 7%, मोर देन 10 करोड़ देन सरचार्ज इज 12%, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 2% एंड 5%। अब एक चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स रेट क्या होती है? तो पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड LLP के लिए टैक्स रेट इज 30%। Surcharge is applicable at the rate 12% if income is more than 1 crore. So suppose if income is more than 1 crore, then surcharge is applicable at the rate 12%. अब एक चीज समझना, जितना भी चीजें अपन ने देखी, जो जो पर्सन की टैक्स रेट अपन ने देखी, वहां पे आपको ध्यान रखना, वहां पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है 4% से। पहले आप टैक्स ले लो, टैक्स में ऐड करो सरचार्ज, और जो भी टोटल आती है उस पर आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ऐड करोगे। एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट कब लगता है? जब आपकी इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है सरचार्ज वाली इनकम की लिमिट से। जैसे इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में सरचार्ज कब लगता है? व्हेन योर इनकम इज मोर देन 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। सो इफ योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। मैंने बड़ा ही सिंपल मेथड बता रखा है आपको कैसे करने का। जैसे सपोज योर इनकम इज 51 लाख, तो पहले आप एक काम करो, टैक्स निकाल दो 51 लाख पे, ऐड कर दो सरचार्ज, और उसके बाद में आपको क्या करना है,
दैट अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एडिशनल इनकम, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख करके, और आप जो एक्सेस इनकम है वो गवर्नमेंट को ही दे दो, जो भी आता है विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दो, आपको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ है वो मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ है तो आप क्या करोगे, वहां पे मार्जिनल रिलीफ देखते टाइम टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, अगर 2 करोड़ है तो टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़, टैक्स अगर 5 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो टैक्स ऑन 5 करोड़ और लाइक एनटीआई माइनस द 5 करोड़, ऐसा करके आप देखोगे मार्जिनल रिलीफ वाला फंडा। अब एक बात समझना, मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी, सबके लिए लगेगी करके, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल एचयूएफ सिर्फ एओपी बीओआई के लिए लगेगा, कंपनी के लिए भी लगेगा। कंपनी पार्टनरशिप फर्म वगैरह, अगर मान लो कंपनी की इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या 10 करोड़ है तो वहां पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ है, वो मार्जिनल रिलीफ आएगा। अब एक चीज समझना, मार्जिनल रिलीफ के बाद में एक सेक्शन हुआ करती है, दैट इज द 87A। 87A का रिबेट किसको मिलता है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, रेजिडेंट इंडिविजुअल नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख, उसको मार्जिन, उसको लाइक क्या बोलते हैं, रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। 87A का रिबेट है वो किसको मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और जिसका एनटीआई अप टू कितना है, 5 लाख। अब एक चीज समझना, कितना रिबेट मिलेगा, जो भी टैक्स आता है, टैक्स आता है और 12,500 विच एवर इज लोअर, ये आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले आपको रिबेट लेना है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रिबेट ऑल काइंड ऑफ इनकम के सामने मिलेगा, आंसर इज यस। अगर आपकी इनकम कोई भी नेचर की हो उसके सामने ये रिबेट मिलेगा, लेकिन एक इनकम के सामने नहीं मिलेगा, दैट इज LTCG 112A। जो LTCG 112A वाला रहता है उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी सबके सामने आपको ये रिबेट है वो रिबेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स पे। अब एक बात समझना, ये नॉर्मल टैक्स अभी रेट अभी तक अपन ने पढ़ी, अब अपन कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है उसका रिवाइज करेंगे। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में सबसे पहला सेक्शन 115BA ये बोलता है कि अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 25% वाला ऑप्शन ले सकती है, देयर इज अ टैक्स रेट इज 25% अंडर सेक्शन 115BA। तो अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन टेक द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BA एट द रेट 25% वाला। अब एक बात समझना, अगर आप 25% वाला बेनिफिट लेते हो सेक्शन 115BA को, अगर आप ऑप्ट करते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1st मार्च 2016, मींस 1st मार्च 2016 या उसके बाद में कंपनी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट हुई है। दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल बिजनेस, मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है ये है कि जो कंपनी है ये इन सेक्शंस के बेनिफिट नहीं लेगी, इन सेक्शन के बेनिफिट नहीं लेगी, इसका मतलब क्या होगा, 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं ले सकते, 32AD का डिडक्शन नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, 33AB और ABA वाले जो है, दैट इज टी कॉफी रबर और साइट रेस्टोरेशन अकाउंट वाला, वो डिडक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस पर डिडक्शन नहीं ले सकते, 35 1 2 और 1 3 और 1 2A और 35 2AA और 35 2AB ये डिडक्शन नहीं ले सकते साइंटिफिक रिसर्च वाले, 35 CCC 35 CCD नहीं ले सकते, CCC इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और CCD इज स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो डिडक्शन नहीं ले सकते। और कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6 में जो कि इनकम बेस्ड डिडक्शन होता है, लाइक ATIA ATRRB वगैरह, वो सब वो नहीं ले सकते, एक्सेप्ट ATJJAA ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर कंपनी को ये ऑप्शन लेना है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और अगर मान लो आपने ये एक बार एक्सरसाइज कर दिया तो लाइफ टाइम आप इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इस बार इन्होंने अमेंडमेंट किया कि अगर आप 115BA ले रहे हो और आप 115BAA में जाना चाहते हो, एक BAA करके इसी साल से एक नई सेक्शन आई है, वो BAA में जाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप ये सेक्शन को विथड्रॉ कर सकते हो और BAA में जा सकते हो। अब एक बात समझना, ये 115BA सेक्शन है वो ऐसे भी कोई लेता नहीं है आजकल, ठीक है, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि एक बात बताओ, 25% तो ऐसे भी टैक्स रेट लग रहा है, 25% टैक्स रेट तो ऐसे भी है ना भैया, क्योंकि 400 करोड़ से कम का, अगर अप टू 400 करोड़ का टर्नओवर अप टू इन द प्रीवियस 17-18, तो ऐसे भी टैक्स रेट 25% है, और उसके साथ बाकी सब डिडक्शन वगैरह भी ले सकते हो। अब यहां 25% टैक्स और ये डिडक्शन भी ना लो तो ये सेक्शन नॉर्मली कोई आजकल लेता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। चलो उसके बाद एक सेक्शन 115BAA जो इसी साल से आई है, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई कंपनी है, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी है, कौन सी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, पुरानी कंपनी है नई कंपनी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस साल से उसको टैक्स रेट 22% का ऑप्शन ले सकती है। अगर कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, नई है, सर्विस प्रोवाइडर है, नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन 115BAA बोलेगी 22% वहां टैक्स का बेनिफिट ले सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां 22% टैक्स रेट लगेगा, सरचार्ज हमेशा 10% लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम।
Even your income is 100 rupees, then also surcharge is applicable at the rate 10%. And health and education says वो आपको 4% लगेगा, ठीक है? तो देखो, domestic company है, वो domestic company 22% tax ले सकती है. 22% is tax rate, plus 10% is surcharge, and plus 4% is health and education says, ये वाला section है, वो company opt कर सकती है, domestic company. लेकिन बेटा, इससे related कुछ condition है. Condition ये है कि company वो सब deduction नहीं ले सकती. 10AA का additional depreciation नहीं ले सकती. Investment allowance है, वो नहीं ले सकती. उसके बाद में तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक रिसर्च वाले वो डिडक्शन थे वो नहीं ले सकती. 33AB ABA नहीं ले सकती. उसके बाद में तुम्हारा 35AD नहीं ले सकती. इन्वेस्टर लाइक क्या बोलते हैं उसको दैट इज 35CCC and CCD दैट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो नहीं ले सकती. और कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं ले सकती एक्सेप्ट सेक्शन 80JJAA ले सकती है, बाकी सब नहीं ले सकती. अब एक और चीज समझना, यहाँ पे अगर मान लो आप ये सेक्शन 115BAA का बेनिफिट लेते हो, तो अगर ये जो सेक्शन में आप डिडक्शन नहीं ले सकते और इन सेक्शन के डिडक्शन की वजह से तुम्हारा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड पुराना लॉसेस चला आ रहा है, तो वो लॉसेस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, वो लॉस आपका लैप्स हो जाएगा. अगर मान लो पुराना कोई लॉस इन सेक्शंस की वजह से चला आ रहा है, तो वो लॉस को लैप्स कर देंगे, उस लॉस को हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे. जैसे मान लो पहले के मेरे दो बिजनेस है, एक 35AD वाला, एक नॉर्मल बिजनेस है. अब 35AD के बिजनेस का कोई लॉस चला आ रहा है मान लो 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का लॉस चला आ रहा है. आज अगर इस साल में प्रीवियस ईयर 1920 में मैं ये सेक्शन का बेनिफिट लेता हूं, तो मुझे वो लॉस को छोड़ना पड़ेगा. तो बेटर है इस साल ये सेक्शन मत लो. ये सेक्शन कभी भी ले सकते हो, इस सेक्शन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप जिस ईयर चाहो उस ईयर ये सेक्शन ले सकते हो. 22% प्लस 10% इज सरचार्ज एंड प्लस 3% इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अब एक और चीज समझना, आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. किसी भी ईयर में जिस ईयर में आप चाहते हो उस ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा. और अगर मान लो आपने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया एक बार, तो फिर आप इससे बाहर नहीं आ सकते. और 115BAA जब आप लेते हो, तो उस केस में आपको मैट भी नहीं लगेगा. जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है वो आपको नहीं लगेगा. मैट का रेट भी 15% हो चुका है और वो भी आपको नहीं लगेगा. ठीक है, चलो तो एक बार मैं वापस से इसको सेक्शन 115BAA को रिवाइज करवा दो. 115BAA ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो 115BAA का बेनिफिट ले सकती है. इसमें क्या है, उसको टैक्स रेट 22% लगेगी, प्लस 10% सरचार्ज एंड प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा. अगर ये सेक्शन आप लेते हो, तो उस केस में आपको बेटा ये वाले डिडक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, ये वाले डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे. और इसकी वजह से कोई पुराना कोई लॉसेस है, वो लॉसेस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा. रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा. एक बार आपने कर दिया, तो आप इससे बाहर नहीं आ सकते. और आपको 10% सरचार्ज लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन नहीं है. कोई भी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, वो ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. यस पीपल, एक और नई सेक्शन है, दैट इज 115BAB. ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सेक्शन सिर्फ उसी को मिलेगी जो न्यू डोमेस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए. यहां पे टैक्स रेट आपको सिर्फ 15% की रेट से लगेगा. 15% प्लस आपको 10% उसमें सरचार्ज लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा. 10% सरचार्ज मैंडेटरी है, लगेगा ही लगेगा करके, ठीक है. एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो आपको लगेगा. अब एक चीज समझना, यहां पे ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी न्यू डोमेस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको टैक्स रेट 15% लगेगा, प्लस आपका सरचार्ज 10%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगी 17.16%. लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है. अगर आपको ये 15% वाला टैक्स रेट चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये कंपनी जो है वो सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019. ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 के बाद में सेटअप रजिस्टर्ड होनी चाहिए. एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो कमेंस होता जाना चाहिए अप टू 31 मार्च 2023 तक. अप टू 31 मार्च 2023 तक उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस हो जाना चाहिए. उसके बाद एक और कंडीशन इसमें यह है कि जो भी ये बिजनेस रहेगा, ये नया बिजनेस होना चाहिए. ये पुराने बिजनेस का स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. एक और चीज, इस बिजनेस में जो भी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, वो प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए, लेकिन 20% तक सेकेंड हैंड चल सकती है. उसके बाद इंडिया के बाहर से कोई इंपोर्ट करते हो प्लांट एंड मशीनरी, और उस पर इंडिया में कभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो वो तुम्हारा न्यू ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. उसके बाद में एक और चीज समझना, ये जो लाइक कंपनी है,
ये कोई भी बिल्डिंग वो वाली यूज नहीं कर सकती जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशनल सेंटर यूज हुई थी करके, ठीक है। और ये कंपनी का बिजनेस होना चाहिए वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही होना चाहिए, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका रिसर्च चल रहा है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, तो सिर्फ यही बिजनेस होना चाहिए तभी आपको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में एक और चीज समझना, कंपनी ये सब डिडक्शन नहीं ले रही हो, ये जो डिडक्शन है तुम्हारे एडिशनल डेप्रिसिएशन 10AA वगैरह ये सब डिडक्शन है, ये डिडक्शन कंपनी नहीं ले रही हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई लॉसेस है पुराने वगैरह तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, लैप्स हो जाएगा, वो इग्नोर करना पड़ेगा। बट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कंपनी जब न्यू है करके, ठीक है, तो इसका पुराना लॉसेस कैसे हो सकता है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक कंपनी है साई लिमिटेड, नई कंपनी बनी, ठीक है। अब ये किस लिए दिया, क्योंकि आफ्टर 4 or 5 ईयर मान लो कोई दूसरी कंपनी इसमें अमलगमेट हो गई, ये कंपनी 115BAB ले रही है, अब दूसरी कंपनी जो थी वो इसमें अमलगमेट हो गई, तो बेटा अमलगमेशन के केस में पुरानी कंपनी के लॉसेस है वो नई कंपनी कैरी फॉरवर्ड सेटअप कर सकती है, तो वो पुरानी कंपनी के लॉसेस अगर इन सेक्शंस की वजह से कोई है तो इस केस में ये वाली जो कंपनी है उनको सेटअप कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर सकती है। उसके बाद एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक कंपनी है वो 115BAB ले रही है, 115BAB ले रही है, अगर एक कंपनी 115BAB ले रही है और उसकी जो कनेक्टेड पार्टीज है, उसकी जो कनेक्टेड पार्टी, उसके जो रिलेटिव पर्सन है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पहली चीज तो मैं बता दूं, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको बताया था कि यहां पे डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा अगर ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से ज्यादा का है, 20 करोड़ से ज्यादा का अगर मान लो ट्रांजैक्शन है तो उस केस में डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। और दूसरी एक और चीज, अगर मान लो कोई कंपनी है वो 115BAB ले रही है और उसका प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा बता रहे हैं ये लोग, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट ये लोग हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को मान लो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट तक तो वो 15% टैक्स लगेगा और जो एडिशनल प्रॉफिट रहेगा उस पे वो 30% की रेट से टैक्स लेगा, ऐसा आरटीपी में जो एक चेंजेस है वो चेंजेस से पता चलता है। उसके बाद में मैं बता दूं, यहां पे आपको मैट नहीं लगेगा, अगर कोई भी कंपनी ये सेक्शन लेती है तो यहां पे मैट नहीं लगेगा। इस सेक्शन को अगर मैं रिवाइज करवाना चाहूं तो 115BAB क्या बोलती है, पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और न्यू कंपनी होनी चाहिए, मींस दैट कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड, दैट कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 October 2019 एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुड बी स्टार्ट अप टू 31 March 2023। यहां पे जो बिजनेस है वो न्यू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये, प्लांट एंड मशीनरी है वो न्यू होनी चाहिए, 20% तक सेकंड हैंड चल सकती है और इंडिया के बाहर से जो इंपोर्टेड किया हुआ है वो तुम्हारा सेकंड हैंड चल सकता है करके, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझता है, यहां पे जो बिल्डिंग यूज कर रहे हो वो बिल्डिंग तुम्हारी पुरानी लाइक कभी होटल या कन्वेंशनल सेंटर में यूज हुई है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी जो है वो अदर बिजनेस में, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च या फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम है, सिर्फ वही होना चाहिए। ये सब डिडक्शन नहीं लेने, और अगर इस ऐसे डिडक्शन की वजह से कोई लॉसेस है वो लॉसेस को ये सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कंपनी कोई क्लोज ट्रांजैक्शंस कर रही है अपने रिलेटेड पर्सन के साथ और उसमें उनका प्रॉफिट है वो कुछ एडवांस आ रहा है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर निकालेगा एडवांस प्रॉफिट और जो नॉर्मल वाला प्रॉफिट रहेगा उस पे तो 15% और बाकी वाले प्रॉफिट पे 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अभी मैं आपको आरटीपी में वो चीज बता दूंगा, ठीक है। यहां पे भी मैट आपको नहीं लगेगा और 10% सरचार्ज की रेट मैंडेटरी रहेगी, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने यहां कंपैरेटिव एनालिसिस दे रखा है 3 सेक्शन का, 115BA का, BAA का और BAB का, ठीक है। अब ये 115BAA और BAB है, ये ऑर्डिनेंस से आया था सितंबर में, सितंबर में ऑर्डिनेंस आया था और सितंबर ऑर्डिनेंस की वजह से ये दोनों सेक्शन है वो लाई थी। अब एक बात समझना, कुछ स्पेशल टैक्स रेट की सेक्शन दूसरी और है, वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक तो 115BB, 115BB ये बोलती है कि विनिंग से जो भी इनकम होता है, कोई भी विनिंग, हॉर्स रेसेस का विनिंग हो, लॉटरी, पजल्स, क्रॉसवर्ड, सबका कोई भी विनिंग हो, उस पर 30% की रेट से आपको टैक्स लगेगा। 115BBE क्या बोलता है कि अगर मान लो आपको जो इनकम होती है वो सेक्शन 68 से 69D नेचर की होती है, 68 इज अ कैश क्रेडिट, जैसे अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट थिंग, अगर मान लो वो नेचर की इनकम होती है तो उस पे बेटा आपको जो टैक्स रेट रहेगी वो 60% रहेगी और सरचार्ज 25% की रेट से लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, मींस इफेक्टिवली आपको 78% टैक्स है वो लग जाएगा। और एक और चीज समझना, ये जो इनकम है इसके सामने आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे, जो 68 वाली इनकम होती है 68 से लेकर 69D वाली, उन इनकम के सामने आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे और इन इनकम के सामने कोई दूसरे लॉसेज है उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद 115BBF, 115BBF ये बोलती है कि अगर मान लो इंडिया में आप कोई भी पेटेंट डेवलप करते हो,
डेवलप का मतलब यहां पे ये होता है कि इंडिया में अगर आपने 75% और मोर एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड इंडिया में स्पेंड किया है, तो ये माना जाएगा वो पेटेंट आपने इंडिया में डेवलप किया है। तो उससे जो रॉयल्टी मिलेगी उस रॉयल्टी पे सिर्फ आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा, मींस ग्रॉस रॉयल्टी है वो 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। ये सेक्शन किसको मिलेगा? ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए है, और रेजिडेंट पर्सन है उसका नाम होना चाहिए जो पेटेंटी के नाम पे, उस पेटेंट एक्ट के हिसाब से एज अ पेटेंटी उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में एक और चीज समझना, ये 10% वाली जब आप सेक्शन लोगे तो ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल हो जाएगी, उसके सामने कोई खर्चे वगैरह अलाउ नहीं होंगे। एक और चीज समझना, यहां पे अगर आप ये सेक्शन एक बार ले लेते हो तो अगले 5 साल तक आपको ये सेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर अगले 5 साल में किसी भी साल में ये सेक्शन नहीं ली, तो जिस ईयर में नहीं ली उसके अगले 5 साल तक आप वापस ये सेक्शन नहीं ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन इज 115 BBG, इज द सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट। अगर आप कार्बन क्रेडिट का ट्रांसफर कर देते हो और उससे जो पैसा मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल एट 10%, ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होगा, कोई खर्चा वगैरह अलाउ नहीं होगा। अदर स्पेशल रेट है वो हम रेस्पेक्टिव सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अब एक बात समझना, अभी जो अपन ने ये सेक्शन पढ़ी, जैसे विनिंग वाली है अगर, ठीक है, जो विनिंग वाली सेक्शन है या फिर कार्बन क्रेडिट वाली है या 115 BBF है, इनके केस में और 115 BBE है, इनके केस में एक चीज समझना, कोई भी खर्चे का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। मींस ग्रॉस इनकम है वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इसके सामने कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, ना ही आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है किसके लिए? एक तो LTCG नॉर्मल वाला, और एक LTCG 112A वाला, और एक STCG 111A वाला। इसके सामने आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो किसके केस में? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF के केस में। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, एक नया कंसेप्ट आया है, ये क्या बोलता है? देखो, इंडिविजुअल HUF के केस में, मेरी बात सुनो, इंडिविजुअल HUF के केस में इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ तो आपको सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। मोर देन 2 करोड़ 25%। मोर देन 5 करोड़ देन 37%। अब एक चीज समझना, ऑर्डिनेंस के थ्रू निर्मला सीतारमण जी ने यह अमेंडमेंट किया कि जो भी तुम्हारा LTCG 112A है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, LTCG 112A है एंड STCG 111A है, LTCG 112A एंड STCG 111A है, उनके केस में आपको ये 25% और 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। मींस अगर LTCG 112A और STCG 111A, इनके केस में आपको 25% और 37 वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, हाईएस्ट सरचार्ज यहां पे 15% लगेगा। और अगर इनकी वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा जा रही है, इन मतलब कैपिटल गेन की वजह से, इफ ड्यू टू कैपिटल गेन योर इनकम इज इंक्रीज मोर देन 2 करोड़ और 5 करोड़, तो भी आपको 37% 25% सरचार्ज नहीं लगेगा, अगर सिर्फ कैपिटल गेन की वजह से योर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ और 5 करोड़। यहां पे मैंने काफी से एग्जांपल दे रखे हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे सिंपल से एग्जांपल मैं बताऊं, देखो तुम्हारी अदर इनकम है 70 लाख और कैपिटल गेन है 50 लाख, टोटल कितना हुआ 1 करोड़ 20 लाख। दोनों इनकम पे, कैपिटल गेन अदर इनकम, सरचार्ज जो भी टैक्स आएगा सरचार्ज लगेगा 15%। अगर मान लो तुम्हारा कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन ये 1 करोड़ है और तुम्हारा अदर इनकम है 1.5 करोड़, टोटल कितना हुआ 2.5 करोड़। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे कैपिटल गेन पे कितना लगेगा? 15% सरचार्ज, और जो अदर इनकम है वो 1.5 करोड़ है, बट टोटल तो सर 2 करोड़ से ज्यादा है, क्या 25% लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि आपका इसकी वजह से, ये जो कैपिटल गेन है ना उसकी वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो आपको 25% सरचार्ज नहीं लगेगा। अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी आपको 15% की रेट से ही टैक्स लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड आप उसको ऐसे याद रखो, देखो 15% तक सरचार्ज तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो LTCG 112A है या STCG 111 है, इस पे कभी भी सरचार्ज 25% 37% नहीं लगेगा, और उसकी वजह से अगर मान लो योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ और 5 करोड़ तो उस केस में अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा ना उस पे भी 25% 37% नहीं लगेगा, अगर इसकी वजह से आपकी इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा या 5 करोड़ से ज्यादा हो रही है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक बात बताओ, आपका अदर इनकम है वो 3 करोड़ है और ये LTCG जो है, LTCG है ये मान लो 3 करोड़ है, टोटल 6 करोड़ हो गया, 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो देखो LTCG 3 करोड़ पे टैक्स आएगा, उस पर 15% ही लगेगा। अब अदर इनकम कितना है? 3 करोड़, इसकी वजह से 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा था, तो अदर इनकम 3 करोड़ है, इसका मतलब ये होगा कि 3 करोड़ पे जो भी टैक्स आएगा उस पर आपको 25% की रेट से ही सरचार्ज लगेगा, 37% की रेट से नहीं लगेगा। आप ये टेबल एक बार देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से बताया कि ये इनकम कितनी है, कैपिटल गेन वाली कितनी है, अदर कितनी है, टोटल कितनी है, तो कौन सी इनकम पे कितना सरचार्ज लगेगा। चलो, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टैक्स रेट। लेकिन इसमें RTP में जो कुछ चीजें दे रखी है वो मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं।
यस पीपल, तो देखो सबसे पहले ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है, ऑर्डिनेंस सितंबर 2000 कब आया था, 19 में। लेकिन ऑर्डिनेंस कब आता है, जब अपनी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस टाइम पे क्या आता है, ऑर्डिनेंस आता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है ना, वो ऑर्डिनेंस को फिर वापस अमेंड किया जाता है, दैट इज द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 लाया। पहले क्या था, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019, और उसको अमेंड करके अभी दिसंबर में उन्होंने पास किया, और दिसंबर में जो पास किया दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 कर दिया। अब एक चीज समझना, इसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए ये 115BAA और BAB में, और 115BAA और BAB में क्या-क्या चेंजेस हुए मैं बता दूं। देखो इसमें सबसे पहले 115BAB की बात कर रखी है और दूसरा BAA की बात कर रखी है। BAA वो 22% वाला और BAB है वो आपका 15% वाला। तो देखो सबसे पहली चीज, ये किस पे एप्लीकेबल होगा, तो मैं बता दूं BAB जो एप्लीकेबल होता है 15% वाला, वो सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे रहेगा, वो डोमेस्टिक कंपनी पे रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, इधर 15% रहेगा, उधर कितना रहेगा 22%। रेट ऑफ सरचार्ज दोनों में सेम रहेगा, इफेक्टिव रेट दोनों में सेम रहेगा, क्या मैट लगेगा, आंसर इज नो, दोनों के केस में मैट नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपको जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट क्या लगेगा, तो मैं बता दूं 115BAB में आपका 15% लगेगा प्लस सरचार्ज 10% और प्लस 4%, और उधर कितना लगेगा 22% प्लस 10% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 25.168%, तो उधर 25.168% और इधर 17.16%। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर अदर इनकम जो स्पेशल रेट्स वाली होती है, जैसे LTCG 20% से जाता है, STCG 111 है 15% से जाता है, LTCG 112A है वो तुम्हारा 10% से जाता है, तो क्या अदर इनकम तो वही रेट से जाती रहेगी ना, आंसर इज यस, अदर इनकम है वो अदर इनकम वही रेट से जाती रहेगी। तो जो अदर स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो स्पेशल रेट से ही जाती होगी, बाकी वाली जो इनकम है वो तुम्हारा इधर तुम्हारा 15% की रेट से और उधर तुम्हारा 22% की रेट से जाएगी प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब एक यहां पे दिक्कत आती है कि सर अगर मान लो कोई अदर इनकम है, अदर इनकम जैसे मान लो ये बिजनेस की इनकम को छोड़ के, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, सर वो इनकम भी क्या 15% 22% से टैक्सेबल होगी क्या, तो यहां पे बोला नहीं, 15% वाले में बोला नहीं 15% से टैक्सेबल नहीं होगी, वो 22% से टैक्सेबल होगी। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जो भी बिजनेस इनकम रहेगी वो तो तुम्हारा 15% से जाएगी, बट अदर इनकम रहेगी वो तुम्हारा 22% से जाएगी, मीन 22% प्लस 10% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 25.168%, और उस सेक्शन में 22% ऐसे पहले से दे रखा है, तो अदर इनकम भी उधर जो है वो 22% से ही रहेगी, और 115BAB में ऐसा दे रखा है कि उस अदर इनकम के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है जो 111A वाला नहीं है तो वो कौन सी रेट से जाएगा, मैं बता दूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों में 22% की रेट से जाएगा, मीन्स 22% की रेट से दोनों में जाएगा, 22% प्लस 10% प्लस 4% की रेट से करके, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, टैक्स रेट क्या रहेगी, तो मैं बोलूं 115BAB में 15% उधर 22%, सर जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो दोनों में स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होती रहेगी, LTCG 20%, STCG 111 15%, LTCG 112A वो 10%, लेकिन सर अदर इनकम जो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम नहीं है, अदर इनकम है करके, ठीक है, तो वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी, तो यहां पे इन्होंने बोला कि जो अदर इनकम है वो 115BAB में 22% से जाएगी, 22% प्लस 10% प्लस 4%, बट उधर वही 22% प्लस 10% प्लस 4%, तो आप ये याद रखो 115BAB में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम रहेगी वही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम रहेगी वो तुम्हारे 15% की रेट से जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन यह आती है कि सर यहां पे कंडीशन क्या है, तो मैं बता दू 115BAA में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नया बिजनेस होना चाहिए एंड ऑल, बट यहां 115BAB में कंडीशन है। कंडीशन क्या है, 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर्ड सेटअप होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 31 मार्च 2023 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये जो बिजनेस है वो स्प्लिट अप रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग बिजनेस का करके, ठीक है। उसके बाद जो मशीनरी खरीदेंगे वो मशीनरी न्यू होनी चाहिए, 20% तक सेकंड हैंड हो सकती है वगैरह वगैरह, वो कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में कोई भी बिल्डिंग ऐसी यूज नहीं करनी है जो पहले होटल या कन्वेंशनल सेंटर की तरह यूज हुई है। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है जो उसमें नहीं था करके, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सबसे पहली चीज मैं बता दूं 115BAB में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए या उससे रिलेटेड रिसर्च या उससे रिलेटेड आपका क्या होना चाहिए लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज समझना, कुछ बिजनेस ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं माने जाएंगे ऐसा यहां लिखा है,
देयर आर सर्टेन बिजनेस विच इज नॉट ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. सबसे पहला तो अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. माइनिंग का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. कन्वर्जन ऑफ मार्बल इंटू द स्लैब्स और टाइल्स वो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. बोटलिंग ऑफ गैस इंटू द सिलेंडर वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ द सिनेमेटोग्राफ फिल्म वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. और एनी अदर बिजनेस जो भी वो लोग नोटिफाई करते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स आता है तो सीबीडीटी के पास पावर है कि सीबीडीटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद में गाइडलाइंस इससे रिलेटेड इशू कर सकती है. उसके बाद ये दोनों सेक्शन में आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करके, ठीक है. उसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशन, ठीक है. अगर मान लो आप ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए कुछ कंडीशन, दोनों सेक्शन में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो जिस ईयर आपने सेटिस्फाइड नहीं कर पाए उस ईयर से आपका जो बेनिफिट है वो विड्रॉ हो जाएगा. मीन्स उस ईयर से आपको ये माना जाएगा कि आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, आप पे नॉर्मल प्रोविजन है, वो नॉर्मल प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे. सर मैट क्रेडिट का क्या होगा, एक बात बता दो. 115BAA तो पुरानी कंपनी हो सकती है तो उसमें मैट क्रेडिट रहेगा वो लैप्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा. बट 115BAB तो न्यू कंपनी है तो मैट क्रेडिट का सवाल आता ही नहीं करके, ठीक है. अगर आप कनेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांजेक्शन करते हो, 115BAA में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है बट यहाँ पे BAB में है कि अगर आप कनेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांजेक्शन करते हो, कनेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना उस पे तो हम टैक्स लगाएंगे कितना, 15% से. बट बाकी वाला जो एक्सेस प्रॉफिट रहेगा बिजनेस का उस पे हम टैक्स लगाएंगे 30% से. बट 30% प्लस 10% सरचार्ज ऑलवेज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से है वो 4% आपको ऑलवेज लगेगा. आपको ये ऑप्शन, ये सेक्शन कब तक आपको एक्सरसाइज करनी है, तो देखो 115BAA तो क्या है, कभी भी कर सकते हो 115BAA तो कभी भी. जिस ईयर में आपको लगता है 115BAA में जाना है 22% वाली में जा सकते हो. बट यह 15% वाला है जब आप पहला अपना रिटर्न फाइल करोगे, न्यू कंपनी और पहला अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब उसको क्या करना पड़ेगा, 115BAB के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. और एक बार आपने एक्सरसाइज दोनों सेक्शन में कर दिया तो आप फिर बाहर नहीं निकल सकते. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. चलो, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. यस, थैंक्स अ लॉट पीपल. आज के लिए इतना बहुत है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करते रहो फटाफट. आपको रिविजन लेक्चर जो फाइनल के लिए जितने भी थे वो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको अमेंडमेंट लेक्चर जो 3 थे वो सब अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे. तो आप चैनल पे जाओगे, 3 अमेंडमेंट लेक्चर है, वो 3 अमेंडमेंट लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे. थैंक्स अ लॉट पीपल. आज के लिए इतना बहुत है.